वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शहीद अंकुश ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद अंकुश के परिजनों को सांत्वना दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अंकुश ठाकुर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शहादत को देश और प्रदेश नहीं भूलेगा। उन्होंने अंकुश ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प भेंट कर परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया पर हिम्मत के साथ काम लेने को कहा। उन्होंने कहा कि देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद अंकुश ठाकुर ने इतिहास को दोहराया है और देश के शहीद हमेशा दिलों में अमर रहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि परिजनों और ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र मनो स्कूल का नाम शहीद के नाम पर किया जाए तथा सड़क को पक्का कर उसका नामकरण भी शहीद के नाम किया जाए। आज गांव को रोहतक जिला श्री अनिल ठाकुर जिनका बेटा अंकुश ठाकुर उनकी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ था। उनको मैं अपने नीरपुर के जो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं नौजवान हैं उनके साथ जो है उनके घर गया और उनकी चित्र पर पुष्पमाला की और उनके पिताजी के साथ बैठ करके शोक व्यक्त किया। श्री अंकुश ठाकुर जो है उसने इतिहास बनाया है और वो हमेशा अमर रहेगा। ऐसे जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका प्राप्त हुआ है। इसके लिए मेरे पिताजी और उनका सारा परिवार शुरू से ही फौज में भर्ती होता रहा है। इनके परदादा इनके दादा और उसके पिताजी रणवीर जी भी वो भी फौज से ही अभी सेवन में 2004 में हुए थे। उनके बेटे को अभी सिर्फ 1.5 साल ही फौज में भर्ती हुआ था और वो अपनी शहीद अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्हें अपनी जान गंवाई है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माओं को स्वर्ग में शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें और सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा जो सरकार ने 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करें। उनके नाम पर जो है स्कूल का नाम भी उस बेटे के नाम पर उस शहीद के नाम पर करें और उसके साथ ही वो सड़क भी इस शहीद के नाम पर जो है सड़क जो है का नाम रखा जाए। मैं उस परिवार को शोक व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।